आज हमारे द्वारका सेक्टर 12 में और यहाँ पर हम ट्राई करने वाले हैं राजू चूर चूर नान। मतलब अगर किसी बंदे ने द्वारका सेक्टर 12 में तरक्की की है ना, तो वो की है इस भाई ने, क्योंकि इसकी 1996 से यहाँ पर शॉप थी। मतलब पहले शॉप नहीं थी, रेडी थी। रेडी से इस भाई ने अपनी यहाँ पर जाकर शॉप ली और आज देखो द्वारका सेक्टर 12 के अंदर टॉप पे अगर किसी चूर चूर नान वाले की बात की ना, तो सबसे पहले यही वाला होगा। इससे पहले भी इसकी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो बन सकती है। अगर आप सर्च करोगे राजू चूर चूर नान वाला द्वारका सेक्टर 12, तो टॉप पे आपको इसकी वीडियो मिलेगी दुनिया भर की। मतलब बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स हैं, फूडीज हैं, ब्लॉगर्स हैं, वो यहाँ पर आ रखे हैं और उन्होंने यहाँ का जायका बता रखा कि कैसा है। सबने एक नंबर बताया। तो मैंने काफ़ी सारी वीडियो देखी और मैं यहाँ पर चलाया एक बार वीडियो बनाने। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं राजू चूर चूर नान असली में दम है या फिर मतलब ऐसे लोगों ने हवा बना रखा है। तो ये देखिए भाई, यहाँ पर लग रहे अपने नान और वहाँ पर देख रहे कौन सा ऑर्डर है भैया, क्या घी है इस पर? देसी घी है। देसी घी यहाँ पर देखिए, देसी घी में निकल रहे हैं। ये देखिए, ये इसको पड़ता है पनीर और पनीर के साथ जा रहे हैं काजू और किशमिश। क्या बात है। और ये देखिए भाई, घी कितना जा रहा है, बटर। मतलब हर नान के ऊपर इतना बटर जाएगा। ऊपर से क्या डाला भैया? इलायची पाउडर। ये साथ में जाए इलायची पाउडर। ये देखिए, ये अब ये क्रश होगा। क्या बात है। ये देखो भाई, एक बार खोल के दिखाओगे भैया बीच से? ये देखो भाई, कलर कितना प्यारा लग रहा था। तो भीड़ देख ली आप कितनी हो रखी है भीड़ यहाँ पे, और नान की क्वांटिटी देख लीजिए कितने सारे लगे हुए हैं। तो चलिए एक बार भैया से बात करते हैं कि मतलब यहाँ पे शॉप कब से ओपन है और यहाँ पे कितना प्राइस है और टेस्ट वगैरह कैसा है। हेलो भैया। सर तो भैया ये बताइए, शॉप को यहाँ पे कितना टाइम हो गया एक्चुअल? सर द्वारका में 1997 से आ गया सर। द्वारका में 1997 से पहले रिपेटरी पे लगती थी सामने। अच्छा, दुकान पे आया। ठीक है। और यहाँ की ऐसी स्पेशल बात बताइए, मतलब जो औरों से अलग नान हो आपका, ऐसा क्या है इसके अंदर? सर वो तो ग्राहक ही बता सकते हैं कैसे है। अच्छा, मतलब भैया भी खुद ये दावा कर रहे हैं कि जो ग्राहक है ना, उन्हीं से आप पूछ लीजिए टेस्ट वगैरह कैसा है। और एड्रेस की बात करें, भैया एड्रेस क्या होगा यहाँ का? सेक्टर 12 केम चौक सर। सेक्टर 12 केम चौक द्वारका। ठीक है। और प्राइस वगैरह कितना होगा यहाँ का? सर प्राइस सामने लिखे गए, सारे वेरायटी अलग अलग नान लिखे गए। चूर चूर नान 190 की थाली है, हमारी फेमस थाली है। ठीक है। मतलब जो फेवरेट है यहाँ पे, जो स्पेशल है, वो चूर चूर नान ही है। ठीक है। तो चलिए एक प्लेट अपने भी लगवाते हैं और बताते हैं आपको टेस्ट वगैरह। देखिए ये यहाँ पर लग रही है प्लेट। और ये क्या भैया? चटनी। ये है मिंट सॉस ग्रीन वाली। मिक्स वाला। और ये वाला मिलेगा रायता आपको, मतलब रायता देखिए। और ये पनीर भैया अंदर से ही लाना एक बार। ये देखिए शाही पनीर मिलेगा आपको। पनीर के साइज़ देखिए कितने बड़े लग रहे हैं। क्या बात है। दाल मखनी। और ये मिलेगी दाल मखनी। कलर कितना प्यारा लग रहा है देखिए। क्या बात है। और ऊपर से जाएगा पनीर, दोनों के ऊपर गया पनीर। और ये गया अलग से मक्खन, मतलब मक्खन की कोई कंजूसी नहीं कर रखी है ना। और ये गई क्रीम। क्या बात है, दोनों के ऊपर कितनी बढ़िया क्रीम गई है। साथ में धनिया के साथ सर्व हुआ है। और ये क्या भैया? मिक्स वेज। अच्छा, मिक्स वेज। क्या बात है। तीन सब्जियां और रायता साथ में मिलेंगे आपको। दो चूर चूर नान, दो सब्जी। तो भाई प्लेट अपनी लग चुकी है, जायका अपना रेडी है। तो एक बार ट्राई करके बताते हैं आपको कैसा है। पहले सबसे अंदर आपको बता दूँ कि इसके अंदर है क्या क्या। तो देखिए सबसे पहले मिला हमें गुड़, और साथ में मिली है मिक्स वेज। मतलब थोड़ी है पर बहुत है, मतलब एक बंदा आराम से खा सकता है इतना है। साथ में ये मिला अपना घर का अचार, और सबसे मेन चीज़ ये देखिए, ये मिला अपना शाही पनीर। मतलब पनीर का साइज़ काफ़ी बड़ा है। ठीक है। और ये अपनी दाल मखनी, और साथ में मिला अपना रायता। क्या बात है। और यहाँ पे ये मिली है प्याज। और ये देखिए, ये है अपना चूर चूर नान। मतलब अगर उसके ऊपर से घी दिखाऊँ ना आपको, पनीर और घी देखिए, मतलब सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतना डाल रखा है। पनीर और घी की मतलब कमी नहीं है एकदम। ठीक है। देखो एक काजू वगैरह सारी चीज़ डालेगा, काजू किशमिश वगैरह। दम है भाई, एक बाइट ली थी मैंने वैसे, अभी लेते हैं शाही पनीर के साथ। भाई बंदे ने जो अपना नाम कमा रखा है ना द्वारका के अंदर, एकदम है, मतलब जेन्युइन चीज़ मिल रही है। 190 रुपये का हम थोड़ा सा कॉस्टली है, पर अगर यहाँ पर टेस्ट ट्राई करोगे ना बेस्ट मिलेगा आपको। 190 रुपये भी कम ही लगेंगे। आप ये बोलोगे कि थोड़ा सा अगर प्राइस ज़्यादा भी होता है ना, तो भी आप इसके पैसे देते। मतलब पनीर इतना सॉफ्ट है ना, जो आपको मिलेगा ना शाही पनीर, शाही पनीर आपको मिलता है कभी कभी कहीं जाते हैं तो मीठा मीठा मिलता है थोड़ा सा। इसके अंदर मीठा नहीं है, मतलब हल्का सा स्पाइसी है।
एकदम क्रीमी फ्लेवर है, मतलब पनीर का जो असली टेस्ट है वो आ रखा है। ये अपना रायता, रायता भी ज़बरदस्त है। तो मतलब तोड़ रहा हूँ ना, आपको दिख रहा होगा अलग से, देखो घी कितना आ रखा है, पूरे हाथ मेरे पूरे चिकने हो गए, मतलब घी नहीं बटर में है। ठीक है, ये मिली अपनी दाल मखनी, क्या बात है, एकदम ठीक है, ज़बरदस्त है भाई, कसम से। मतलब अगर भूख लग रही हो ना आपके पास, मेरे को याद आएगा राजू चूर चूर खाना वाला। ये अपनी मिक्स वेज, ये भी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया लगा नान और पनीर का, नान और पनीर का कॉम्बिनेशन साथ में मिल रखा है। गुड़, वैसे तो गुड़ गर्मी में खाते नहीं है, बट फिर भी गुड़ इन्होंने दिया है, मतलब जिसको खाना वो खा सकता है। गुड़ तो मतलब अपना नॉर्मल ही है। ये मिला अपना घर का अचार, 190 रुपये प्राइस मैंने बता दिया, लोकेशन आपको बता दी, द्वारका सेक्टर 12 के अंदर। कभी भी आके ट्राई कीजिए, मेरे तरफ से A1 टेस्ट। रेटिंग की बात करूँ 10 में से 9.5। वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना है ना बोले। थैंक यू।